Jnana Manjana Salakya Yasho Rumalita Mahena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yaisdadati Krishnaya Krishna Bhattaya Tadbhattaya Namunam Vajcha Kalpudarugasya Vipasirthuhayvacha Patitananga Pavanipu Vaisnapipo Namunam Vrindaya Tuladishatai Kriyayi Kesavasacha Krishna Bhakti Pradevi Satya Vataya Namunam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Vasati Gauri Bhakta Vrinda Valhari Krishna 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 Hare Hare Hari Jai Hari Ram Ram Valhari Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Ram Hari Ram 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 Hari Sarvatam Mri Gurupad Padma Nitalila Prabhishnam Vishnupad Ashtotara Satasri Sri Sri Mata Bhakti Sri Guru Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charna Kamala Me Anand Koti Sastranga Dandavat Pranam Karta Tad Pashchat Mri Sikhya Gurupad Padma Nitalila Prabhishnam Vishnupad Ashtotara Satasri Sri Sri Mata Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Ki Charna Sarajami Sraddha Puspanjali Arpan Karta Upasthit Vaishnava Vaishnavi Sabhi Kami Jatha Jyoga Pranam Karta हरे कृष्णा हाँ किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं उनका प्रश्न है क्या सभी लोग मिलजुल करके भगवान की सेवा करनी चाहिए क्या सभी लोग मिलजुल करके भगवान की सेवा करनी चाहिए क्या अच्छा है तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा सकले मिलिया मिसिया एक तात्पर्य पर हरिया गुरबा निर्भते हरि सेवा करो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं हम लोग सब मिलजुल करके और एक तात्पर्य होकर के कहते एक तात्पर्य होकर के गुरु जी के अनुगत में भगवान की सेवा करनी चाहिए इसलिए मेरे गुरुदेव यही कहते थे देखो भगवान की जो भक्ति में आना ये कोई साधारण बात नहीं है किसी ने श्रील प्रभुपाद जी को बोले जैसे कोई ब्रह्मचारी मंदिर में आए ब्रह्मचारी किसी कारण से वो मंदिर से जब चले गए किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद जी वो जो ब्रह्मचारी मठ में आया था ना वो मंदिर छोड़कर घर चला गया तो प्रभुपाद कहते हैं जो चले गए तो चले गए लेकिन अभी तक जो है मंदिर में बड़ा आश्चर्य लग रहा है वो अभी तक मंदिर में कैसे है अब इसका मतलब प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं जो भगवान की जो भक्ति है वो बड़ा दुर्लभ है इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति सुदुर्लभा जो भक्ति बड़ा दुर्लभ है जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि स्वपी महामुने मेरे जो भक्ति में आते हैं करोड़ों करोड़ों बिरले व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति मेरी भजन में आते हैं बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति भगवान की भजन करने आते हैं इसलिए मेरे गुरुदेव बारंबार कहते थे सब लोग मिलजुल करके एक तात्पर्य होकर के ठाकुर जी की सेवा पूजा करो भगवान की भक्ति करो है क्योंकि जो भक्ति है कभी भी घट करके नहीं हर जीवन में भक्ति बढ़ करके प्रकट होगा इसी जीवन में जैसे आप लोग मंगल आरती में आ रहे हैं मंगल आरती आ रहे हैं मंगल आरती दर्शन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं ये चीज को साधारण चीज मत समझा करो हैं साधारण चीज मत समझा करो देखो एक समय कोई एक राजा था वो राजा क्या करता था रोज आकर के अपने हाथों से ये मंदिर को साफ करता था रोज आकर मंदिर को ये साफ करता था अपने हाथों से कुछ लोगों ने देखा ये राजा होकर के इसको पास में इतने नौकर चाकर है
लेकिन ये आकर के रोज रोज ये मंदिर पूछा क्यों लगा? एक दिन उसको पूछे, भैया तू ये मंदिर में रोज आकर के पूछा क्यों लगा? वो कहता है मेरे पूर्व जन्म की मेरे बात याद है। बोले क्या याद है? बोले ये याद है भगवान कितने दयालु है, ठाकुर जी कितने कृपालु। मैंने देखा मैं पहले जन्म में बड़ा दुष्ट था, एक समय एक वेश्या को लेकर के गलत काम करने के लिए किसी जंगल में पहुंचा। मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर है, उसके साथ में गलत काम करने के लिए मैंने मंदिर पर साफ सुथरा हुआ गलत काम किया। लेकिन ठाकुर जी मेरे किसी गलत चीज को ठाकुर ने देखा, मैंने जो गलत काम किया ठाकुर ने देखा, मैंने जो ठाकुर का मंदिर साफ किया ना ठाकुर ये चीज को देखा, और गंदे काम के लिए मंदिर साफ किया। लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु मुझे राजा मेरे को ठाकुर जी राजा बना दिया। अगर इसी जीवन में पहले तो श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अगर इसी जीवन में अगर हम श्रद्धा पूर्वक ये मंदिर को हम साफ करते हैं ना, ठाकुर जी का विष्णु मंदिर को अगर साफ करते हैं, पर ठाकुर जी हमें क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी हमें क्या नहीं देंगे। बोले कोई कबूतर था, कबूतर ने उसको किसी कुत्ता ने काट दिया, काट दिया तो अभी वो प्राण छोड़ते समय अब देखना वो पंखों को मारता है। उसने छटपट 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 करते 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 वो भगवान का मंदिर था, वो छटपट करते 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 किसी तरह से वो मंदिर को उसने परिक्रमा कर लिया और ठाकुर के सामने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई अंतिम समय। इसलिए आप लोग जो मंदिर में आते हैं रोज तिलक लगाते हैं, गला में कंठी, हरिनाम, आरती, दर्शन और ठाकुर जी का जो कथा सुन रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते इसका क्या फल है, सोच भी नहीं सकते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मात्रया। अगर थोड़ी सी भी कोई कुछ करते हैं ना अर्जुन, मैं उसका जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त करा के अपना चरण में स्थान दे देता हूँ। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं सब लोग मिलजुल करके, सब लोग आपस में मिलजुल करके एक तात्पर्य होकर के, हमारे क्या तात्पर्य है, हम ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करें, ठाकुर जी कैसे खुश हो जाए। गुरु जी के अनुगत्य में मेरे गुरु जी कहते अगर एक जीवन अभी जो कर रहे हैं ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, जैसे रोज तिलक लगाते हो, हरिनाम करते हो, ठाकुर कथा सुनते हो, आरती करते हो, ठाकुर जी उत्सव हो रहे, मेरे गुरु जी कहते अगर एक जीवन ऐसे किसी तरह से बीत जाएगी ना, अगले जीवन में भक्ति कभी घट करके नहीं। इसलिए बीरा क्या कहती है, बोले तीन दिन बड़ो महीने राम धन पायो पायो जी महीने राम रतन धन पायो। कहती जो संस्कार है अभी जो चीज को देखना, जो चीज को रोज रोज करते हो, रोज रोज करते हो वो आदत बन जाती, वो आदत बन जाती है। अगर एक दिन वो काम को नहीं करना शरीर में बेचैनी आ जाती है, शायद आज कुछ कमी रह गई, आज कुछ कमी रह गई, यही चीज यही क्या होगा धीरे 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 यही चीज स्वभाव में परिणत हो जाएगा। जब हमारी ये स्वभाव में परिणत हो जाएगा ना, बात स्वभाव में परिणत हो गया बात हमारी कल्याण बात। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते थे ये जो है ना ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कोई नौकरी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग जाते हैं, जो जितने अच्छे तरह से ट्रेनिंग लेता है उसका नौकरी बढ़िया ट्रेनिंग है, उसकी नौकरी बढ़िया मिल जाती है। कहते ये मठ क्या, ये ट्रेनिंग है। प्रभुपाद कहते थे ये मंदिर नहीं, क्या है राधा रानी की ये निकुंज महल है, ये राधा रानी की। अभी कुल के वृंदावन में क्या हो रही, सखी मंजरिया सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके क्या करते हैं, ठाकुर जी की मंगल आरती करते हैं। हम लोग जो सवेरे भजन गाते हैं क्या गाते हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा युगल कीर्ति मंगल श्री संत लीला मंगल मुरारी।
ठाकुर जी का हारती उतार रहे हैं, सुंदर कैसे सरोवर में फूल खिले हुए, मीठे मीठे भीनी भीनी कैसे सुंदर खुशबू आ रहे हैं, चारों तरफ आनंद आनंद है, जितने कोयल कुहू कर रहे हैं, मयूर केका कर रहे हैं, और जितने पक्षी सब बड़े सुंदर सुंदर कुंजन कर रहे हैं, कलयुग वृंदावन में क्या करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं को गान करते हैं, गोलोक वृंदावन में हो रही है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो सवेरे आकर क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी का आरती कर, कि तो वो गोलोक वृंदावन में जो हो रही है ना, हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग है, ये हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर है, बस ट्रेनिंग अगर बढ़िया ले गया ना, बस नौकरी नौकरी कहाँ मिल जाएगी, गोलोक वृंदावन में बढ़िया राधा रानी के पास में नौकरी मिल जाएगी, बस वो नौकरी मिल गया ना, वो परमानेंट नौकरी है, वो टेम्पररी नौकरी नहीं है, वो परमानेंट नौकरी है, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ी नहीं, ये शरीर छोड़ना कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो कृष्ण का जितने सखा लोगों का कितना उम्र है, 8 साल 10 साल है, 11 साल 12 साल 14 साल, इससे ज्यादा उम्र किसको नहीं होती। वहां पर जितने कृष्ण का राधा रानी जितने सखी मंजरिया, उनको उम्र कितना है, यही 9 साल 10 साल 11 साल 14.5 साल से किसका उम्र ज्यादा है नहीं। अब देखना कृष्ण का जितने सखियां हैं, इससे उम्र ज्यादा किसका है नहीं, बस उसी उम्र में हर समय रहो, कभी बूढ़ा नहीं बनेगा, कभी बूढ़ी नहीं बनेगा, कभी बीमार नहीं होगा, दुख कष्ट नहीं होगा है। इसलिए आप लोग मठ में नहीं आ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ये ट्रेनिंग है, बस बढ़िया से ट्रेनिंग लो, नौकरी परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, आनंद ही आनंद है, संसार में हमें आना ही नहीं, संसार में ये दुख कष्ट हमें भोगना ही नहीं, ये दुख कष्ट है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, देखो सब लोग मिलजुल करके, देखो हम लोग बद्ध जीव है, बद्ध जीव होने का नाते कभी कभी हमारे अंदर में एक मत नहीं होता है कभी कभी, लेकिन प्रभुपाद कैसे देखो एक मत नहीं होने पर कोशिश करना, सबके सब गुरु जी के अनुगत्य में एक होकर के मिलजुल करके ठाकुर जी की सेवा पूजा ठाकुर जी की भक्ति करते रहो। सकल सहित बंधुत्व रखिया गुरुनिष्ठ भक्तगण के संगे हरि सेवा नियुक्त था का हमारे कर्तव्य। प्रभुपाद क्या कहते हैं, सकल सहित बंधुत्व रखिया, सबको साथ में क्या करना पड़ेगा, बंधुत्व रखो, सबको साथ में बंधुत्व रखो है, ऐसे नहीं थोड़ी थोड़ी बात पर मचल गए झगड़ा करना शुरू कर दिया, उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं सबको साथ में बंधुत्व रखनी चाहिए है, सबको साथ में मित्रता सबको साथ में रखनी चाहिए है, मित्रता नहीं रखोगे तो मन में अशांति होगा, किसको साथ में बनेगा नहीं तो फिर क्या होगा, फिर भजन नहीं कर पाओगे, दिन भर तुम वही चिंता करोगे, उसके साथ में ये से हो गया, उसके साथ में ये से हो गया, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे, फिर तो मन अशांति रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते क्या करो, सबको साथ में मित्रता रखनी चाहिए, सबको साथ में प्रेम को साथ में, सबको साथ में प्रेम को साथ में, सबको साथ में रहनी चाहिए। और जो गुरुनिष्ठ जो भक्त लोग हैं उनको साथ में हर समय भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की भजन में हर समय हमें डूबे रहनी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में क्या होता है, इसलिए प्रभुपाद ने सब कुछ, जैसे राधाष्टमी आया, बस आनंदपुर को राधाष्टमी, जन्माष्टमी आया, यहाँ पर क्या हुआ, इस बार जन्माष्टमी मनाई कि नहीं, टॉप की 7 दिन तक हरि कथा हुई, नगर संकीर्तन हुई है, इसलिए कीर्तन हुआ। फिर जब किसी गुरुवर्ग का तिथि आता है, प्रभुपाद का हमारे गुरुदेव का तिथि आता है, तिथि में क्या करते, एकत्रित होकर के उनकी हम कथा सुनते हैं, उनकी हम गुणगान करते हैं, कहते हैं बीच बीच में मंदिर में उत्सव होनी चाहिए, उत्सव में मन में उत्फुल्ल, मन में आनंद रहता है। इसलिए कहते सब के सब मिल करके गुरुवर्गों का तिथियों को मनाते हुए उनकी गुणानुवाद करनी चाहिए। हमारा सकल भगवत सुखार्थ सतत हरि सेवाए और गुरु सेवाए नियुक्त था वो है। प्रभुपाद कहते हैं हम सभी लोग, हमारी झगड़ा कब होता है, जब अपना स्वार्थ, झगड़ा कब होता है,
जब अपना स्वार्थ, अपना नाम होनी चाहिए, अपना इज्जत होनी चाहिए, अपने नहीं। यहाँ पर कहते हैं केवल हमारी अंदर में एक ही भावना रहेगा, क्या भावना? हम ठाकुर जी को कैसे सुखी करें। अगर वहां पर हमें नीचू होने पड़े, नीचू होनी चाहिए। इसलिए महापुरुष इसलिए कहते हैं ना, भक्ति करने के लिए क्या गुण चाहिए? हमें चार गुण चाहिए। जिसके अंदर में चार गुण होगा ना, कभी उसका जीवन में लड़ाई भी नहीं। लड़ाई कब होता है? जब अपना प्रतिष्ठा के विषय आता है, अपना महिमा भी, तभी लड़ाई होता है। इसलिए महाप्रभु बोले देखो, भक्ति करना तो चार गुण आनी चाहिए। क्या क्या है? बोले त्रिनाद भी सुनिचेना, है घास से भी ज्यादा नीचू बन, है जैसे घास को ऊपर पैर रखा, क्या होता है? घास सर नीचा कर देता है, लेकिन जब पैर उठा तो फिर सर ऊंचा कर देता है। बोले नहीं, उससे भी दीन ही नहीं बन। अगर हम दीन ही नहीं बनकर रहेंगे है, फिर तो किसका तो लड़ाई नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर में जो अभिमान आता है, तभी लड़ाई का कारण रहती है। इसे त्रिनाद भी सुनने चाहिए ना, और तारा भी सुनना, मतलब पैर से भी ज्यादा सहन शक्ति आए है। जैसे रास्ता में जा रहे हो, किसी पेड़ को नीचे धूप है, आपने क्या देखा? एक पेड़ देखा, नीचे बैठने के लिए कुछ है नहीं, आपने उसको टहनिया तोड़ दिया, तोड़ करके नीचे बिछा करके आप बैठ गए। लेकिन वो पेड़ क्रोध नहीं करता है, तुमने मेरे टहनिया तोड़ दिया, तेरे को छाया नहीं दूंगी, ऐसे बोलता है? नहीं तो पेड़ में आम उठाया, पत्थर मारे पेड़, मारा तो पेड़ को, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक हमें फल दे दिया, उसने हमें एक फल दे दिया उसने। इसलिए कहते हैं तरो रपी, कहते उससे भी हमारे अंदर में ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। और देखो, विशेष करके देखो, जब हम भक्ति करने जाते हैं ना, प्रभु के भजन करने जाते हैं, यहाँ तक भी जो देवता लोग भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कौन पड़ जाते हैं पीछे? कौन पड़ जाते हैं? बोले क्यों पड़ जाते? बताओ क्यों पड़ जाते? देवता लोग भी हमारे पीछे, देवता भी हमारे ईर्ष्या करने लगे जाते, द्वेष करने लग जाते हैं, वो भी हमारी टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं। कौन? इसी जगत में तो होता है। इसी जगत में देखना, आप भक्ति जगत में चलो, तिलक लगाओ, कंठी भजन करो, ये सब बाबा जी बन गए, साधु बन गए। देखो तिलक लगा कर घूम रहे, कंठी बना करके है, इसी जगत में ही लोग पीछे बढ़ जाते हैं। कहते कहते स्वर्ग लोग का देवता भी पीछे बढ़ जाते हैं। क्यों पीछे बढ़ जाते हैं? बोलो क्यों पीछे बढ़ जाते हैं? कभी उनका स्थान ले ले, हां कभी हम उनका स्थान ले ले। उनका क्या स्थान? मतलब जो भगवान की सेवा में है ना, वो तो भगवान की सेवा में है। हां इसलिए कहते हैं, इसलिए वो ईर्ष्या द्वेष टांग पकड़ खींचते हैं। जो भक्ति करते हैं ना, वो कहां जाएंगे? जो नारायण का भक्त वो वैकुंठ जाएगा, जो राम की भक्त अयोध्या जाएगा, जो राधा कृष्ण की भक्ति वो गोलोक वृंदावन जाएगा, और जो महाप्रभु का भक्ति वो स्वर्ग द्वीप में जाएगा। हैं? वो धाम कहाँ है? बोले भूर भुव है, स्वर्ग लोक से है, भूर भुव मोह जन तप सत्य, सत्य लोग ब्रह्मा जी का लोग है, उसको ऊपर में है, कहते उसको ऊपर में, कहते वैकुंठ लोग है उसको ऊपर में, शिव लोग, वैकुंठ लोग, अयोध्या लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग को लोग वृंदावन है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए देवता लोग ईर्ष्या करते हैं, भैया इसी मरते जगत में तो जन्म लिया, और भगवान की भक्ति करके और हमारे सर पर प्यार रखकर कहाँ चले जाएगा? बोलो वृंदावन चले जाएगा, जाने नहीं देंगे, टांग पकड़ करके खजना शुरू कर देंगे, इतना ऊंचा स्थान पा जाएगा उसको है। इसलिए भक्ति जगत में कभी कभी बड़ी बड़ी विपत्ति आती है। भक्ति जगत में विपत्ति, मीरा को देखो, प्रहलाद को देखो, विभीषण को देखो है, लेकिन विपत्ति आने पर भी हमें क्या करनी चाहिए? इसलिए महाप्रभु कहते हैं, भैया पेड़ से भी ज्यादा क्या करो? सहन शक्ति हो, और सबको इज्जत दो, सबको क्या करो? सम्मान दो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, सकल सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, के दूसरों को क्यों सम्मान देंगे? बोले सभी का हृदय में कृष्ण का निवास है, सभी के हृदय में ठाकुर जी की निवास, बोले करना तो क्या करो? सबको सम्मान दो, सबको सम्मान दे भगवान, कहते इसलिए सबको सम्मान दो, और कभी भी अपना प्रतिष्ठा के लिए कभी भूखे मत बना करो। मेरे को सबको मेरे को प्रतिष्ठा देनी चाहिए, मेरे को इज्जत देनी चाहिए है। इसलिए महाप्रभु बोले देखो,
अगर ये चार गुण अगर आ गया ना, बस तुम्हारी तो भक्ति पक्की है, तुम्हारी भक्ति पक्की है। और दुनिया में लड़ाई झगड़े का एक कारण है, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हम बड़े हैं। इसलिए सार अगर हम, इसलिए महाप्रभु बोले हम कौन है, गोपी भक्त पद कमल दास दासन दास, हम करने ठाकुर जी की दासों की दासों की दासों की हम दास है। बस अगर ये भावना आएगी तो फिर हमारे हृदय में कोई प्रतिष्ठा की भावना नहीं, फिर तो आप भजन कर सकते हो, आप फिर भजन कर सकते हो, फिर तुम्हारी कोई बाधा विपत्ति नहीं रहेगी। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अंदर में एक ही भावना रहनी चाहिए, गुरु वैष्णव और ठाकुर जी को हम कैसे सुख प्रदान करें, हैं कैसे उनको सुख प्रदान करें। निजे सुखर जन व्यस्त है ते गया ही, जीव कृष्ण सेवा विस्मृति है एवं तद हेतु दुख पाए। बोले कि जो जीव दुख क्यों मिलता है, कहते संसार में दुख क्यों मिलता है, बोले दुख मिलने का एक ही कारण है, जब हम अपना सुख लिए हम चेष्टा करते हैं, हम अपना सुख के लिए हम चेष्टा करते हैं, उस समय क्या होता है कृष्ण सेवा को हम भूल जाते हैं, इसलिए जीवन में दुख कष्ट मिलता है। लेकिन अगर ठाकुर को सेवा के लिए हम चेष्टा करें तो बस ठाकुर जब खुश हो जाएगा अपने आप हम खुश हो जाएंगे, हमें खुश करने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी को खुश करो, ठाकुर जी प्रसन्नता हो जाए। देखो हनुमान जी दिन भर क्या करते बताओ, क्या करते दिन भर, प्रभु राम की सेवा करते हैं। इसलिए हनुमान जी को जब जा रहा था गंधमार्दन पर्वत में विश्रम करने लेने के लिए, बीच में काल ने भी लिखा देखो आज रात को विश्राम कर लो, कल तुमको ना सबर चल जाना। बोले राम सेवा है मेरा विश्राम, राम सेवा है मेरे विश्राम, राम सेवा विश्राम मतलब ये नहीं अच्छे तरह से थोड़ा है खा पी कर अच्छे तरह से सोते रहो, कभी विश्राम नहीं, भक्तों का विश्राम किया है ठाकुर जी की सेवा ही विश्राम। अब देखो भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करने पर बाहर ठाकुर जब खुश हो जाए हम अपने आप खुश हो जाए, अपना खुश के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर खुश हो जाए तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। जैसे आपने रसोई बनाया, बढ़िया रसोई बनाई, आपको खिलाया जिसको उसने हम बोले चाट चाट कर खाई है और पंचों मुंह में तारीफ किया कि आप मैंने रसोई बनाया है, क्या रसोई रसोई नहीं, तुम्हारे हाथ में अमृत लगता है, तुम्हारे हाथ में अमृत है। अगर कोई प्रशंसा कर देना क्या होता है, खुश हो जाते कि नहीं, कहते भैया हमारा रसोई बनाना सार्थकता हो गया। उसी तरह जब हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर देंगे, जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं ना बस अपने आप हम खुश रहेंगे। हम राधा रानी कृष्ण सेवा करती है, राधा रानी क्या करती है कृष्ण सेवा करती है, इसलिए महाप्रभु कलयुग में क्यों आए, कारण यही है, कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी मेरे को प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, हैं मेरे रस का आस्वादन करती है, लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा किसको मिल रहा है, राधा रानी को, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा, मतलब भगवान की सेवा में इतने आनंद है। इसलिए जब हम ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के सुख, गुरु वैष्णव के प्रति विधान के लिए कोशिश करेंगे, पास हमें अपने आप आनंद की प्राप्ति होगी, अलग रूप में आनंद सुनने का जरूरत नहीं। अगर जब ये चीज नहीं करेंगे ना, कहते भैया कहते जीवन में वो दुख कष्ट मिलेगा, जीवन में जब अपना सुख के लिए कोशिश करोगे फिर तुम्हें दुख कष्ट मिलेगा, इसलिए क्या करो ठाकुर कैसे प्रसन्न कर सके। अभी बहुत बढ़िया प्रश्न प्रभुपाद कर रहे, ये प्रश्न को उत्तर का अच्छे तरह से याद करो, बहुत अच्छी प्रश्न कर रहे प्रभुपाद। इनका प्रश्न है क्या सांसारिक जो कष्ट है क्या भगवान की दया है, क्या संसार में जो कष्ट है क्या ये ठाकुर जी की दया है, ये किसने प्रश्न किया। देखो प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं, कभी कभी इसी संसार के दुख कष्ट से ही
हम भगवान की भक्ति कभी कभी हमारी छूट जाती है, हैं? तो किसने कहा भैया संसार में जो दुख कष्ट किया भगवान की दया है। प्रभुपाद कहते हैं दयामय सभी दया, समझ रहे हो? ठाकुर जी को कहते ना ठाकुर जी दयामय है, ठाकुर जी कृपामय, ठाकुर जी उनका सब चीज ही दया है, उनकी हर चीज ही ठाकुर जी की दया है। ये क्यों वो दयामय है? वो तो कृपामय है, हां उनको सब कुछ दया। कहते इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, हैं? कहते भगवान जो कुछ करते हैं, हम कहते हैं ठाकुर जो कुछ करते हैं हमारी अच्छे के लिए ही करते हैं, ठाकुर कभी बुरा हमारी कर ही नहीं सकते, कभी बुरा ही नहीं कर सकते, हैं? इसलिए भगवान जा करे सबई मंगल जगना, ठाकुर जी जो करते हैं सबके सब हमारी अच्छे के लिए, क्योंकि हम ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर जी के बच्चे है ना, तुम्हें वो माता चो पिता, तुम्हें वो पिता माता है, जब पिता माता वो बच्चे के लिए कभी अमंगल कर सकते हैं क्या? कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, वो जो कुछ करते हैं हमारी अच्छे के लिए। कथा सुनाता हूँ ना, एक राजा एक मंत्री जंगल में गए, राजा शिकार करते करते उसका अंगुल कट गया, बोले महामंत्री मेरे अंगुल कट गए, बोले देखो मंत्री तो बड़े भक्त था, बोले भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते, भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते। बोले क्या मेरा अंगुल कट गया सारा जीवन के लिए, तू कहते हो भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए, फिर बोले भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, इसमें भी आपका कुछ मंगल है? बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए, बोले जरूर करते हैं अच्छे के लिए, बोले अभी तेरा अच्छा करता, तेरा अभी अच्छा करता, बोले धक्का मार करके एक अंधकार कुएं में गिरा दिया, बोले इसमें पड़ेगा, जो कुछ करते अच्छे के लिए करते ना, तो दिखाते हैं तेरे को कैसे ठाकुर तेरे मंगल करते हैं। जब राजा आ रहा था इतने में किसी दस्यु डाकू के जो सरदार, उसने माता देवी को पास में मनोज रखा था, घर में मेरे एक लाला की जन्म हो जाए ना माता जी, तेरे साथ पास में एक नर बलि दूंगा, एक इंसान को बलि दूंगा। अभी उसको घर में बेटा जन्म हो गया, मेरे माँ की कृपा से बेटा हो गया, जाओ पकड़ करके जो जंगल में मिले पकड़ कर ले आ, और घूमते घूमते राजा मिल गया, बोले वाह ये तो बड़े सुंदर है। आज तो माता जी बड़ी खुश हो जाए, क्यों? राजा बड़े लंबा चौड़ा सुंदर था और बढ़िया बलि दोगे तो माँ ज्यादा खुश हो। अभी उसको पकड़ करके ले आए, राजा बोले हे भगवान मैंने कहाँ फंस गया, हैं? मैंने कहाँ फंस गया? उसको ला करके माँ देवी को सामने एक लकड़ी होता है ना, वो लकड़ी में उसके गले को फंसा दिया, फंसा करके उठाया तलवार और उसको मारने के लिए जब जा रहा था काटने के लिए, राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, हठात उसका नजर पड़ा अंगुल कटा हुआ खून गिर रहा है। लेकिन नियम है माँ को सामने वही चीज बलि चढ़ेगी जो संपूर्ण शरीर होनी चाहिए, शरीर में अगर अंग भंग है कुछ नुकसान उस बलि नहीं चढ़ सकती, तो उल्टा फल हो जाए, उसको उल्टा रिएक्शन मिलेगा। उठाया था और छटपट कर रहा था, जब नजर पड़ा उसका हाथों में खून गिरते हुए, बोले नहीं ये तो माँ देवी की सेवा के लायक ही नहीं, बोले उसको खोल दो छोड़ दो, जो छोड़ दो, जो छोड़ दिया। राजा ने सोचा भैया मंत्री तो सही बोल रहा था, ये अंगुल कट गया मतलब इसमें भी ठाकुर को, ठाकुर जी कुछ कृपा है, अगर ये अंगुल कटा नहीं होता तो मैं पूरा की पूरा ही कट जाता, पट्टा छूट गया। उसने वापस आकर के मंत्री को कुएं से निकाला, बोले महामंत्री आप जो बोला था ना सही बोला था, बोले किया, बोले ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ में, ये अंगुल कटने का वजह से मैं तो पूरा ही बच गया, ये तो पूरा ही कट जाता, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, बोले किस चीज की? बोले भगवान तो मंगल में, बोले हाँ, बोले तेरे को मैंने तब से अभी तक ये अंधकार कुएं में डाल कर रखा, अभी तेरा क्या मंगल हुआ? मेरा तेरा क्या? मंत्री कहते महाराज जी मंगल आपका नीवा मंगल, मेरा वन में कटता। अगर हम दोनों जाते हैं ना कुएं में नहीं गिरा करेंगे तो दोनों जाते हैं, आपको तो अंगुल कटा हुआ था, आपको छोड़ दे, मेरे तो गर्दन सपाटी। ठाकुर जी जो कुछ करते हैं जी अच्छे के लिए करते, कभी बुरा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि देखो भगवान जो कुछ करते हैं ठाकुर जी मंगल में है, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, उनकी अमंगल में भी कुछ मंगल होता है।
इसलिए करुणा मय भगवान जहाँ के जखन जेखने राखे तिनी तखन अम्लान बदने सेखने थाकिया भगवाने पुरस्कार वा तिरस्कार ग्रहण करिवे। क्या ये बंगला भाषा प्रभुपाद कहते हैं जो करुणामय जो भगवान है भगवान करुणामय कृपामय जहाँ के जखन जेखने राखे जिसको जहाँ पर जिस रूप में ठाकुर जी रखते हैं वो वहीं पर रहते हुए अम्लान बदन अम्लान मतलब होता है दुखी नहीं होकर के दुखी नहीं होकर के प्रसन्न बदन में गत से खाने खा दिया वहीं पर रह करके क्या करना चाहिए भगवान ने पुरस्कार मतलब अगर भगवान हमारे कुछ अच्छे करते हैं बात कुछ तिरस्कार कभी गाली सुनने को मिलता है कभी पुरस्कार कभी तिरस्कार ग्रहण करिवे उसी अवस्था में रह करके भगवान जो कुछ करते हैं उसको ग्रहण करते रहो ग्रहण करते रहो और क्या करो भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ा करो कहते कभी भगवान की भक्ति मत छोड़ा करो हैं क्यों कहते अगर भगवान की भक्ति छोड़ दोगे कहते हैं जैसे पिताजी की बहुत सारी संपत्ति अथा संपत्ति पिताजी तो पिताजी की जो अथा संपत्ति इसको किसको मिलनी चाहिए बच्चे को मिलनी चाहिए बच्चे को पिताजी को बाद में तो बच्चे सारे संपत्ति का मालिक है अभी बच्चे को संपत्ति कब मिलेगी जब बच्चा जिंदा रहेगा तभी तो बच्चे का संपत्ति पिताजी का संपत्ति मिलेगा ना अगर बच्चा अगर पिताजी का छोड़ दिया तो सारे संपत्ति से वंचित हो जाए भगवान की क्या संपत्ति प्रेम संपत्ति आनंद संपत्ति है उनका धाम गोलोक वृंदावन ठाकुर का धाम है लेकिन ये मिलेगा कब तभी मिलेगा अगर पिता बच्चा अगर कुछ गलती करे अगर पिता थोड़ी डांट लगा देता है अगर बच्चों का अंदर अभिमान आ जाए पिताजी ने हमें डांट लगाए मैया ने हमें डांट लगाए अगर पिता माता को छोड़ कर चला जाएगा तो फिर पिता माता की संपत्ति क्या मिलेगी उसको नहीं मिलेगी लेकिन पिता माता जो कुछ करते हैं बच्चे के लिए अच्छे के लिए करते हैं पिता माता कभी उनका बुरा कर ही नहीं सकते उनका डांट में भी कल्याण है और उनको प्रीति में भी कल्याण दोनों में कल्याण है इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया जो जीवति सम्मुक्ति पद दाय भार इसलिए जो जीवति जीवति मतलब पिता माता के शासन को और ठाकुर जी जो हमारे मंगल व अमंगल करते हैं वो दोनों चीज को ग्रहण करते हुए दोनों चीज को हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं दोनों पिता माता ठाकुर जी ये चीज को सहन करते हुए जो हर समय कभी भजन नहीं छोड़े हर समय भगवान की भक्ति करते रहो फिर एक दिन पिताजी की सारी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी सारी संपत्ति आपको प्राप्ति होगी बोले भगवान जावतीय पुरस्कार बड़ा तिरस्कार मंगल जन बीत है भगवान माया शक्ति पुरस्कार जिनिष्ठा के अबरा आदर करी आर तार तिरस्कार गुली हमारे नाना प्रकार जातना दी यदि संसार में जो दुख कष्ट किसको द्वारा पहले माया शक्ति को द्वारा हैं हम भगवान को भूल करके संसार में आए लेकिन क्या करते हैं माया शक्ति की पुरस्कार को तो ग्रहण करते हैं अच्छे चीज को तो ग्रहण करते हैं लेकिन जो जो तिरस्कार है ना उसका जो तिरस्कार समझते हो उसका जो शासन को स्वीकार करना नहीं चाह रहे उसका तो पुरस्कार को लेने के लिए हम तैयारी है अच्छे लेकिन जब थोड़ी दुख कष्ट देती है ना कहते उसको सहन करने के लिए हमें तैयार नहीं होते प्रश्न होता है फिर माया क्यों कष्ट देती है ये माया मेरे क्यों कष्ट देती है कभी तो पुरस्कार देती है कभी डंडा पड़ती है ये डंडा भी उनका कल्याण है वो डंडा भी उनकी कल्याण है क्योंकि अगर दुख नहीं देगा ना कहते ना दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में जो सुमिरन करे दुख आए को लेकिन उसको हम तो सुख लेने के लिए तैयारी होते हैं लेकिन दुख लेने के लिए तैयार नहीं होते इसलिए माता कुंती को जब कृष्ण बोले बोले बुआ जी वर मांगो बुआ जी क्या वर मांगते हैं प्रभु मेरे झोली में विपत्ति भर दो मेरे झोली में विपत्ति भर दो बोले सारा दुनिया तो मेरे से संपत्ति मांगते हैं विपत्ति क्यों मांगते हैं क्या कहते हैं बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए बलिहारी को दुख को
जो पल पल नाम जपाए है। इसलिए दुख में भगवत स्मरण होता है, सुख में भगवत स्मरण नहीं होता है। इसलिए कुंती कहती है मेरे ज्वली में विपत्ति भर दो। कृष्ण ने कहा बुआ जी सारा जीवन तो तेरे को विपत्ति मिली, भीम को बचपन में बीस लड्डू मिलाकर फेंक दिया, फिर तुमको जतुगृह में जलने के लिए मारने के लिए कोशिश किया, बनी सभा में द्रौपदी वस्त्र हरण हुई, इतने दुख मिला है, फिर जवानी अवस्था में तुम्हारे पति भी शरीर छोड़ दिया, जवानी अवस्था में तुम्हारे पति शरीर छोड़ दिया, तुमको तो जीवन में दुख ही दुख मिला, सुख मिला ही कहाँ है, सुख मिला ही क्या, क्या इतना दुख पाकर पेट नहीं भरा, फिर दुख मांग रहे हो, फिर दुख मांग रहे हो है। लेकिन कुंती कहती है प्रभु जिसको पास में चार चीज होगा ना वो तेरे भजन ही नहीं करेगा, जन्म उच्च कुल में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य ज्यादा पैसा हो जाए, श्रुत ज्यादा ज्ञान हो जाए, श्री मतलब जितना चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, बोले ये व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेगी। इसलिए नाम अकिंचन बिताय विपरीत गुण बिताए, तुम तो दीनहीन व्यक्ति का ही न हो है। इसलिए बोले दिन अधिक दया करें भगवान, दीन को ऊपर में ठाकुर जी की ज्यादा कृपा होती है, कुली पंडित धनी का बड़ा अभिमान प्रभु तेरे भजन नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या तो अपना झोली में क्या भर दो, मैं विपत्ति भर दो। देखो यहाँ पर प्रश्न होता है कि आप भक्तों को ऊपर केवल विपत्ति विपत्ति आनी चाहिए, इसीलिए समझो कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगे ना, इसका मतलब जो भजन करे उसको घर विपत्ति आए, फिर इसका क्या यही मतलब है ना, इसका मतलब ये नहीं है। कुंती ये नहीं चाह रहे तो मेरे को विपत्ति दो, कुंती क्या चाह रहे हैं एक उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे पड़ोसियों के साथ में तुम्हारी कोई लड़ाई हो उसको साथ में तुम्हारी बात नहीं होती, लेकिन अगर माता जी बच्चे को कहते देख बच्चा भले तू जहर खा कर मरना मर जाना लेकिन ये पड़ोसी से बात नहीं करना, ये पड़ोसी से लड़ाई बात नहीं करना, इसका मतलब क्या तू जहर खा कर मर जा, नहीं इसका मतलब है ये पड़ोसी से बात नहीं करना। इसलिए कुंती ये नहीं कहती है मेरे पर विपत्ति दो, क्या कहती है बोले प्रभु जिस देश में जिस वेश में परी वेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण, तो मेरे को जिस स्थिति में रखना क्यों नहीं रख ले, लेकिन प्रभु तेरे को जैसे कभी भूलू नहीं, हर समय तेरे याद करते रहो, तेरे मैं भजन इसका मतलब यही है मैं तेरी भक्ति करते रहे, जैसे भक्ति कभी मेरी छूटनी नहीं चाहिए। माया एक दंड भगवान की कृपा प्रसाद लाभ परिवार उद्देश्य बीता है, संसार में जो दुख कष्ट है उसका मतलब ये नहीं तुमको दुख देना, इसका मतलब है तो भगवान की स्मरण करो, क्यों ये विषय में डूबे रहते हो, इसलिए तू क्या कर भगवान की स्मरण करो, उसकी जो दंड है वो दया के लिए है, नहीं तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए माया बीच बीच में जान बुझ कर थोड़ी थोड़ी कष्ट कभी माया दे देती है, ताहो भक्त गण आदर करे, भक्त लोग क्या करते हैं उसका आदर पूर्वक सर नीचा करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, तहा अम्लाल बदने सही स्नुतार सहित भगवत कृपा बलिया ग्रहण करे, बगैर दुख होकर बिना दुख के साथ में सहन करते हुए भगवत कृपा बोल करके जीवन में जो कुछ आता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। जहरा सांसारिक अमंगल के भगवान ने दया बलिया बुझते ना पारे, तारा सुन रहे जगत उन्नति सुख प्रभुति अन्वेषण करते गया परिषद निष्फलता लाभ है। जो लोग सांसारिक अमंगल को भगवान की दया बोल करके नहीं समझ पाते हैं, भगवान के संसार का अमंगल ही भगवान का कृपा है, जो नहीं कर पाते हैं ना उसको सुख्या होता है, बोले जगत का उन्नति सुख प्रभुति अन्वेषण करते गया परिषद निष्फलता लाभ है। वो क्या चाहते हैं हम संसार का उन्नति करेंगे सुख प्राप्त करेंगे, फिर वो प्रभु का भजन कर भजन को छोड़ छाड़ कर क्या करते हैं फिर माया में ही चले जाते हैं, उसका जीवन का निष्फलता मतलब भगवान की भक्ति को छोड़ करके जब दूसरे का मार्ग में जाते हैं जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह कर क्या करो भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भजन के बगैर है ना है? भगवान की भक्ति के बगैर देखो जब हम भक्ति करेंगे ना, मैं एक दिन बता रहा था ना जो टाटा बिरला रिलायंस कंपनी वाले
अब्बा ने इतना पैसा कहाँ से आया? एक व्यक्ति दिन भर परिश्रम करते करते अपने रोटी कभी कभी संग्रह नहीं कर पाता, उनको पास में इतने पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ, इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसलिए कहते देखो, जब हम भगवान का नाम कर रहे हैं ना, जो कीर्तन कर रहे हैं, अगर इसको निष्काम होकर करेंगे, भक्ति युक्त होकर, उसका फल क्या? भगवत प्रेम। अगर हमारे मन में संसार की इच्छा वासना रहेगा, कामना वासना रहेगा, फिर जो भगवान का नाम ये कभी निष्फल नहीं जाएगा, ये चीज कभी तुम्हारी निष्फल नहीं जाएगा, जो कथा कीर्तन भजन ये कभी निष्फल नहीं जाएगा, ये कुछ देख नहीं छोड़ेगा। अगर संसार की वस्तु भागोगे ना, इतना पैसा तुम्हारे पास में आएगी, इतना पैसा आएगी, कहते पहले जन्म में जो इतने पैसा क्यों मिला? कारण यही है, भगवान की भक्ति तो किया लेकिन कामना वासना को, बोले ठीक है भगवान का नाम तो चिंतामणि, जो मांगोगे तो वही मिलेगा। बोले इतने पैसा तुम्हें दे देंगे, इतने धन दौलत दे देंगे ना, बात उसमें डूबे रह जाओगे, उसमें डूबे रह जाओगे, क्योंकि भगवान का नाम कभी बिना नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ देखेगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए देखो, अगर हमारी भक्ति जो दुख कष्ट आ रही है, दुख कष्ट अगर भक्ति तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी, एकदम दृढ़ भक्ति होगी, कहते साधन में दो, उसका दो फल है, क्या है? क्लेश अग्नि सुभगा। अगर सही सही हरि नाम किया, निष्काम होकर के, कहते क्या फल है? क्लेश अग्नि सुभगा। क्लेश अग्नि मतलब क्या? कहते जीवन का जितने दुख है, जितने दुख जीवन में प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट वो जितने तुम्हारी सारे पाप के नष्ट करते हैं। दूसरा फल क्या है? जगत में तुम्हारी इतना नाम होगा, जगत में जहां जाओगे ना जय जयकार होगा। मीरा ने अपना नाम को प्रचार किया है, हनुमान जी ने अपना नाम को प्रचार किया है, ध्रुव प्रहलाद ने प्रचार किया, माधव इंद्र पुरी तो प्रतिष्ठा का डर से भागकर चले गए, सवेरे होते ही लोग नहीं आए, पास को पुरी में पहुंचने से पहले ठाकुर पुरी राजा को स्वप्न दे दिया, मेरा भक्त आ रहे हैं प्रज से, उनके लिए चंदन लकड़ी की व्यवस्था करना। वो जो पुरी में पहले पहुंचे, यहाँ पर प्रतिष्ठा को छोड़ कर गए, और वहां पर जब गए ना राजा, फूल की माला और उनके लिए गाजे बाजे के साथ तैयारी, कौन ऐसे भक्त आ रहे हैं? जगन्नाथ मेरे को स्वप्न दिया, मेरे भक्त आ रहे हैं। इसलिए अगर हम निष्कपट होकर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते ठाकुर हमें क्या देने वाले। इसलिए खूब आनंद पूर्वक हरि नाम करो, भक्ति करो, बस इसमें ही हमारी आनंद है, इसमें ही हमारी सुखी, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर प्रेमानंद। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल।